एडवांस्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी में डिफरेंट की टर्म्स होती हैं, टर्मिनोलॉजीज होती हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उन टर्मिनोलॉजीज में से चंद जिनका नाम है कॉन्सेप्ट्स, कंस्ट्रक्ट्स, वेरिएबल्स और डेफिनेशंस, ये क्या होती है। हम इनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि क्या डिस्टिंक्शन है या क्या डिफरेंसेस हैं कॉन्सेप्ट्स के, कंस्ट्रक्ट्स के, वेरिएबल्स के और डेफिनेशंस के दरमियान। तो हमें सबसे पहले है कॉन्सेप्ट्स। ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं या मेंटल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं किसी भी फिनोमेना के बारे में। कॉन्सेप्ट बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। एब्स्ट्रैक्ट मीन एन इंटेलेक्चुअल आइडिया, अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन। जो एक चीज जिस तरह कॉन्क्रीट होती है, ये बेसिकली एक नॉन कॉन्क्रीट या नॉन फिजिकल आइडिया है। और किसी भी प्रिंसिपल, किसी भी थॉट या किसी भी बिलीफ का ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। चीजें स्टार्ट ही कॉन्सेप्ट से होती हैं। एक मेंटल पिक्चर किसी भी फिनोमेना के बारे में आपका जो आइडिया है, आपका जो पर्सपेक्टिव है, जो कॉन्सेप्ट है, वहां से ही चीजें स्टार्ट होती हैं। और हमारी कॉग्निशन के जो एस्पेक्ट्स हैं उनमें इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कॉन्सेप्ट्स का जो हम सोचते हैं बेसिकली वो कॉन्सेप्ट्स हैं, और ये हमारी कॉग्निशन और हमारे शऊर को मुकम्मल करती है। हमारी रीजनिंग, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी परसेप्शन, इंटेलेक्ट, अवेयरनेस, कॉग्निजेंस, सब कुछ कॉन्सेप्ट्स पे बेस करता है। तो दे आर ब्रॉड ओवरआर्चिंग नोशंस दैट आर ऑफन ओपन टू इंटरप्रिटेशन। एक कॉन्सेप्ट की एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशंस की जा सकती हैं। तो अगर हम इंग्लिश में रिसर्च कर रहे हैं और इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो लिटरेरी जॉनर्स भी हो सकते हैं, थीम्स भी हो सकती हैं, लिटरेरी मूवमेंट्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जॉनरा को लें तो उसमें ट्रेजेडी लिटरेचर में एक जॉनरा है, जो बेसिकली फीचर करता है कि जो प्रोटैगनिस्ट है या जो हीरो है उसका डाउनफॉल कैसे हुआ, उसके कौन से फ्लॉज थे या कौन सी ऐसी एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस थी जो उसके कंट्रोल के बियॉन्ड थी, और वहां से उसका डिमाइज स्टार्ट हुआ, ट्रेजेडी स्टार्ट हुई, उसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। इसी तरह अगर हम थीम्स पर्सपेक्टिव में देखें तो आइडेंटिटी की थीम एक कॉन्सेप्ट है। ये कैरेक्टर किस तरह लिटरेचर में सेल्फ परसेप्शन के, बिलोंगिंग के और सोशल एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को हैंडल करता है। सो ये थीम बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है। नाउ वी गो विद कंस्ट्रक्ट्स। इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, एंग्जाइटी, फियर, ये तमाम कंस्ट्रक्ट की एग्जांपल्स हैं। तो साइकोलॉजी में बेसिकली कंस्ट्रक्ट एक स्किल है जो कि एट्रीब्यूट करता है या एक एबिलिटी है एक या एक से ज्यादा एस्टेब्लिश थ्योरीज की बेस पे। तो बेसिकली ये सपोजिशंस होती हैं, हाइपोथेसिस होते हैं, थ्योरीज होती हैं, आइडियाज होते हैं जो कि ह्यूमन ब्रेन में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होते, हम ओवरटली इनको नहीं देख सकते। कॉन्सेप्ट से ये एक स्टेप आगे होते हैं। कॉन्सेप्ट एक ब्रॉडर फील्ड है, कॉन्स्ट्रक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर एक स्पेसिफिक फील्ड है, और रिसर्चर्स इसको पर्पस ऑफ स्टडी डिफाइन करने के लिए कॉन्स्ट्रक्ट यूज करते हैं। तो ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो किसी भी इंपेरिकल इन्वेस्टिगेशन, डेटा की बेस के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन या एक प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक किस्म की हम इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं तो उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए जो हमें थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट मिलता है बेसिकली वो कॉन्स्ट्रक्ट से मिलता है। इंग्लिश स्टडी में अगर हम देखें तो कॉन्स्ट्रक्ट जो है लिटरेरी थ्योरीज भी हो सकती हैं, एनालिटिकल फ्रेमवर्क्स भी हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक फीचर्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ये एक कंस्ट्रक्ट है जो कि हमें पर्सपेक्टिव बताता है कि कहानी किस अंदाज से सुनाई जा रही है या बताई जा रही है। वो फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन लिमिटेड है, ओमनिसेंट है। तो रिसर्चर्स जब अपनी स्टडी को ऑपरेशनलाइज करते हैं तो प्रोनाउन के यूजेस को एनालाइज करते हैं और नैरेटिव में कौन सी लिटरेरी वॉइस हमें मिल रही है टेक्स्ट के थ्रू, वो बेसिकली कंस्ट्रक्ट से यानी कि कॉन्सेप्ट से मजीद फोकस्ड एक चीज कंस्ट्रक्ट, और उसमें जो एग्जांपल मैंने दी कि नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू कहानी बताई किस तरह जा रही है। एक और कंस्ट्रक्ट हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, सिंबोलिज्म। तो ये जो कंस्ट्रक्ट है ये इन्वॉल्व करता है यूज ऑफ सिंबल्स को, कि वो सिंबल्स किस तरह आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिटरेरी वर्क के अंदर। तो जो रेकरिंग थीम्स होती हैं, सिंबल्स होते हैं, वो टेक्स्ट की सिग्निफिकेंस को एनालाइज करने में हमें हेल्प करते हैं। जैसे कि हेमलेट में जो उसके फादर की घोस्ट है, तो वो एक रेकरिंग सिंबल है मेटाफिजिकल एलिमेंट का, ये स्पिरिचुअल नेचर को बताता है। नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर वेरिएबल्स। अगेन रिसर्च में वेरिएबल्स कोई किसी भी किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फीचर्स होते हैं या अपीयरेंसेस होती हैं या इंडिविजुअलिटीज होती हैं जो डिफरेंट वैल्यूज ले सकती हैं, जैसे कि हाइट, एज, टेम्परेचर, टेस्ट स्कोर। So, ये वेरिएबल्स हैं, ये चेंज होते रहते हैं, वेरी करते रहते हैं। तो रिसर्चर जो है वो मैनिपुलेट करते हैं और मेयर कर जब भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं वो। तो बेसिकली ये काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कि क्या करेंगे तो उसका क्या असर होगा, क्या काम करेंगे, क्या एक्शन लेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स के वो किसी और पर डिपेंड नहीं कर रहे होते, वो
होली सोली को डिपेंडेंट वेरिएबल किसी और एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि अगर वो वेरिएबल मीट करता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल में मीट करेगा। तो वेरिएबल्स स्पेसिफिक होते हैं, मेरेबल फैक्टर्स होते हैं या एट्रीब्यूट्स होते हैं जो किसी भी रिसर्च स्टडी में चेंज होते रहते हैं। तो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वेरिएबल्स की एग्जांपल्स में हम इस तरह के एलिमेंट्स ले सकते हैं, जिस तरह के कैरेक्टर के ट्रेट्स हैं, कोई भी एक कैरेक्टर है उसकी क्या खसूसियात हैं, कौन सी ऑथर ने लिटरेरी डिवाइसेस यूज की हैं या कौन से लिंग्विस्टिक फीचर्स यूज किए हैं, तो ये वेरिएबल्स के तौर पर होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये एक वेरिएबल है। तो हम कैरेक्टर के अंदर जो चेंजेस आई हैं उसकी पर्सनैलिटी में, उसकी बिलीफ में, उसके एक्शंस में थ्रू आउट द नॉवल और प्ले, उसको जब हम एनालाइज करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये वेरिएबल कितना वेरी किया है। इसी तरह वेरिएबल की एग्जाम्पल में अगर लें तो यूज ऑफ मेटाफर, तो हम काउंट कर सकते हैं किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट में कि मेटाफोरिकल एक्सप्रेशंस कितनी यूज हुई हैं। वो एक पोएम है, एक प्ले है या एक ड्रामा है, तो हम उससे थीमेटिक सिग्निफिकेंस भी ड्रा कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं कि इतनी मेटाफोरिकल एक्सप्रेशंस इस ऑथर ने यूज की हैं, जिसमें मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच के जरिए इम्प्लिसिटली ऑथर ने दो चीजें जो कि खुद में रिलेटेड नहीं थी उनको कंपेयर किया। फॉर एग्जाम्पल ऑथर कहता है द शेफ इज अ मैजिशियन, तो शेफ तो बेसिकली कुकिंग कर रहा है, वो मैजिशियन तो नहीं है, लेकिन दो एक अनरिलेटेड थिंग्स हैं जिसको उसने मेटाफोरिकली कंपेयर किया है कि ये खानसामा तो जादूगर है, ये कुक जो है ये एक मैजिशियन है। नाउ वी सी व्हाट आर डेफिनेशंस। डेफिनेशंस किसी भी चीज की, किसी भी टर्म की या किसी भी टर्मिनोलॉजी की, किसी भी रिसर्च कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें मीनिंग्स क्लैरिफाई करती हैं। बेसिकली ये एक चीज को दूसरी से डिफरेंट करती हैं, जुदा करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग। सो दे प्रोवाइड प्रिसाइज एक्सप्लेनेशंस, और उससे हम एंश्योर करते हैं कि रिसर्चर्स और रीडर्स जो हैं कॉमन की कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो बार बार यूज हो रहे हैं अपनी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें। इंग्लिश के अंदर जो की टर्म्स यूज की जाएंगी या टर्मिनोलॉजीज यूज की जाएंगी या क्रिटिकल अप्रोचेज यूज की जाएंगी या थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स यूज किए जाएंगे, तो उनको बेसिकली वंस फॉर ऑल डिफाइन कर दिया जाएगा, उनके मीनिंग्स को क्लैरिफाई कर दिया जाएगा कि जब भी रीडर उनको पढ़े तो उनकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी उसके माइंड में डेवलप्ड हो। तो फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट के अंदर बार बार आयरनी 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 रिपीट हो रहा है, तो हम एक बार आयरनी को डिफाइन कर देंगे कि आयरनी होती क्या है। सो लिटरेरी एनालिसिस में आयरनी एज एन एग्जांपल ऑफ डेफिनेशन अगर हम डिस्कस करें तो ये रेफर करती है कि यूज ऑफ लैंग्वेज और सिचुएशन जो है वो एक ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करने के लिए यूज किया गया है, कि एक्चुअली एक्सप्रेस क्या हुआ है और एक्सपेक्टेड क्या था। तो बेसिकली ये कंट्रास्ट है बिटवीन द अपीयरेंस एंड रियलिटी। फॉर एग्जांपल अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, सो मींस एक फायर स्टेशन है जिसने आग बुझानी थी वो खुद ही जल गया है। अ मैरिज काउंसलर फाइल्स फॉर डिवोर्स, मींस कि उसने तो खुद लोगों की शादियां करवानी थी लेकिन वो खुद अपना तलाक का केस लेके फिर रहा है। और इसको मजीद सिंपल करें द टीचर फेल्ड द टेस्ट, तो टीचर जिसने पढ़ाना था वो खुद ही टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर सका। व्हाट वी डू इज क्लैरिफाई द मीनिंग्स ऑफ द टर्मिनोलॉजीज। एक और टर्मिनोलॉजी को लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, पोस्ट कॉलोनियलिज्म। सो एक क्रिटिकल अप्रोच है जो एक्सप्लोर करती है कल्चरल सोशल पॉलिटिकल इंप्लिकेशंस ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो फॉर्मली जो कॉलोनाइज्ड सोसाइटीज थी, तो डोमिनेंट पावर स्ट्रक्चर्स में किस तरह उनकी आइडेंटिटीज को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। सो पोस्ट कॉलोनियलिज्म एक की टर्म है जिसको डिफाइन करना रीडर के लिए जरूरी है। तो थिंग्स फॉल अपार्ट बाय चिनुआ एचबे पोस्ट कॉलोनियलिज्म की एक लिटरेरी एग्जांपल है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।